أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मेरे प्यारे भाइयों और बहनों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान मुराद अली शाह। मैं अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम देखने का, सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम बनाएंगे शोरबे वाला गोश्त। सर्दी का मौसम है, आप भी बनाया कर। ये भाई गोश है बड़े का, और ये खड़े मसाले, लौंग, साबित जीरा, दालचीनी, साबित धनिया, काली इलायची, काली मिर्ची, तेजपत्ता, और ये पाउडर मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, कुटी हुई मिर्ची, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन अदरक, नमक, इन सब मसालों को मिलाते हैं और शोरबे वाला गोश्त का सालन बनाते हैं। दिखाते हैं आपको। ये जो हमने पानी रख दिया, गरम हो गया, पहले धोएंगे गोश्त को, डालते हैं गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक से दो मिनट इसको धोएंगे गरम पानी में। इसमें खून होता है, स्मेल होती है, बाकी जो जरासीम होते हैं वो सब के सब गरम पानी के साथ साफ हो जाते हैं, धोते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, गोश्त साफ हो गया, चूल्हा हमने बंद कर दिया, निकालते हैं बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें कलर, माशाल्लाह बिल्कुल सफेद नजर आ रहा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, गोश्त साफ हो गया, धोएंगे ताज़ा पानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप भी दुआ करें अपने आप को और अपने बच्चों को बीमारी से बचाया करें। शुक्रिया। पानी देखें आप। जी हमने घी रख दिए, गरम हो गया, डालते हैं प्याज को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हल्का सा ब्राउन करेंगे, प्याज हल्के से ब्राउन हो गए, डाल दें लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकाएंगे इसके भी साथ में। डालते हैं टमाटर, साथ में डालेंगे नमक हल्दी का, पकाएंगे टमाटर। लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, टमाटर पक गए, पानी सूख गया,
10 मिनट लगे टमाटर को पकने में, चूल्हे को चूल्हा कम करेंगे, उस टाइम पे डालेंगे मसाले, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आधा चम्मच से कम हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई मिर्ची, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच से कम जीरा पाउडर, आधा चम्मच से कम धनिया पाउडर, हरी मिर्ची मिलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा पानी डालेंगे, चूल्हा तेज करेंगे, मसालों की बुनाई करेंगे। लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, मसालों की बुनाई हो गई। स्टैंड पे डालते हैं गोश्त, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में डालेंगे खड़े मसाले। लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गोश्त और मसालों की बुनाई कर दी। इस टाइम पे डालेंगे पानी गरम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी ज्यादा डालना इसलिए कि शोरबे वाला गोश्त बन रहे, शोरबा रखेंगे इसमें, पानी इसलिए ज्यादा डाल दिया, आप भी ज्यादा डाला करें। ढक्कन रखेंगे और तकरीबन 50 मिनट इसको पकाएंगे। 50 मिनट पहले हमने गोश्त पे ढक्कन रखा हुआ था, ढक्कन हटा के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, गोश्त पक गया। हमने बीच बीच में एक दो मरतबा चम्मच चला दिया था, भी चला दिया कर, और ये शोरबा इतना रखना, इससे ज़्यादा इसको सुखाना नहीं है। ये शोरबे वाला गोश्त है, चूल्हा कम करेंगे, ढक्कन रखेंगे और 10 मिनट इसको दम देंगे। ये चूल्हे को आपने इस साइज पे रखना है, बिल्कुल हल्का, 10 मिनट इसको दम देंगे, ये घी भी ऊपर आ जाएगा। ये जी 10 मिनट पहले हमने गोश्त को दम पे रखा हुआ था, चूल्हा बंद करेंगे, ढक्कन हटा के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह, सारा घी ऊपर आ गया, अब देखें। और ये शोरबा करते हैं डिश आउट, डालते हैं जी प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, शोरबे वाला गोश्त बन गया। आप भी बने इसी तरीके से, ऐसे ही मसालों में, इंशाल्लाह आपका शोरबे वाला गोश्त लाजवाब होगा। अल्लाह आपका नसीब करे प्रोग्राम देखने का। शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम यहीं तक था, चाहेंगे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, अपने पड़ोस का ख्याल रखें, अपने बुज़ुर्गों और बच्चों का ख्याल रखें, और हमें अपने दुआओं में याद रखें।
अल्लाह हाफिज़।